नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभी सिंह और ऑटो एब्स्ट्रैक्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, अभी एक न्यूज आ रही है टीवीएस की तरफ से, टीवीएस स्टार सिटी प्लस बीएस6 के अंदर लॉन्च होने वाली है 25th of January 2020 को। तो गाइस, हाल ही में टीवीएस ने एक टीजर लॉन्च कराया इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें इस बाइक का फर्स्ट लुक दिखाया गया है। तो गाइस, बीएस6 के अंदर इस बाइक से हम क्या क्या फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। गाइस, अगर बात करें इसके इंजन की, तो जो बीएस4 वाला वेरियंट था उसमें 110cc का एयर कूल्ड इंजन था, जो की 8.4 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, जो की हीरो पैशन प्रो से स्प्लेंडर आई स्मार्ट और कहीं ना कहीं इनकी खुद की जो बाइक है विक्टर उससे काफी कम था। तो अब इसके अंदर कंपनी क्या करने वाली है, इसके अंदर FI डालेगी, यानी FI आने के बाद में ये बाइक और ज्यादा फ्यूल इफिशियंट हो जाएगी और काफी ज्यादा रिफाइन हो जाएगी। मेरे हिसाब से अगर कंपनी को कम्पीट करना है और बाइक से, तो इस बाइक के अंदर उनको कहीं ना कहीं इनके पावर फिगर्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और अगर ये बढ़ोतरी होती है तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक हो जाएगी 100cc सेगमेंट के अंदर। तो जैसे कि आपको टीजर में देखने को मिल रहा होगा, जो अभी टीवीएस ने लॉन्च करा है इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर, उसमें आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल रहा है, कोई हेलोजन लाइट इसमें नहीं है, यानी कि काफी ज्यादा लुक एनहेंस हो गया है एलईडी लाइट लगने के बाद में। और अगर बात करूं इसकी एक और खास फीचर की जो इसमें आ सकता है और काफी ज्यादा रूमर्स हैं उसके बारे में, कि इसमें अब फ्रंट में डिस्क ब्रेक आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 240mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट टायर के अंदर कंपनी इसमें देना स्टार्ट कर देगी। तो गाइस, ये डिस्क ब्रेक इसकी ब्रेकिंग को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। और अगर बात करूं मैं इसकी कलर स्कीम की, तो गाइज कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि इस बाइक में एक नई कलर स्कीम टीवीएस दे सकता है, क्योंकि बीएस6 आने के बाद में इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए काफी सारे न्यू फीचर टीवीएस देगा ही देगा। पहले ये बाइक 70 से 72 के आसपास का माइलेज दे देती थी, तो FI लगने के बाद में इसका माइलेज भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और इंजन काफी रिफाइन हो जाएगा। और 100cc बाइक के अंदर काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम होती थी, बाइक स्टार्ट करने में सर्दियों में काफी दिक्कत होती थी, तो FI आने के बाद में वो दिक्कतें भी आपकी समाप्त हो जाएंगी सारी के सारी, बहुत ज्यादा स्मूथ आपकी बाइक स्टार्ट होगी। तो गाइज, इससे ज्यादा इस बाइक के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है और ये बाइक जैसे ही लॉन्च होती है, तो मैं लेके आऊंगा इसका एक फुल रिव्यू, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ खास इस बाइक के अंदर है और क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए। तो गाइज, वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। इतनी